यीशु दी सेवकाई दे दौरान धर्म गुरु पुराने जमाने दे रवाजें गी बड़ी सख्ती कन्नै मनदे हे, जेदी वजह कन्नै लोग उनेंगी धर्मी समझदे हे। पर यीशु ने उनेंगी पखंडी गलाया कि जे किश हद तकर ओ परमेसरे कन्नै ते चलदे हे, पर इंदे मन परमेसरे सा दूर है, जियां के ए अपने कम्मे दा झूठा दिखावा करदे हे ते अपने आप गी आम लोकां सा धर्मी समझदे हे। पर यीशु दी ए आदत ही कि ओ चुंगी लेने आले ते उने लोकां कन्नै खांदे पींदे हे जिनेंगी धर्म गुरु नीच समझदे हे। एक ध्याड़े इयै जे लोग यीशु दे कश उंदे उपदेशें गी सुनने किते आए। जेले किश धर्म गुरुएं उसी उंदे कन्नै बैठे दे दिखिया ते उन्हें गलाया, ए माणू इंदे कन्नै की संगत रखदा है। ए सुनिए यीशु चाहते हे कि ए समझी जान कि परमेसर किन्ना खुश होई जांदे न जेले कोई भटके दा माणू पापें गी छुड़ीए परमेसरे पिछे चलना लगी पौंदा है। इस करिए उन्हें ए मिसाल देइए ए गलाया, अगर तुंदे कश 100 भिड्डां ते जेकर उंदे चा एक गुआची जाए ते 99 भिड्डां ते जिस वेले उसी ओ गुआची दी भिड्ड थोई जांदी है ते ओ बड़ा गै खुश होई जांदा है, इन्ना खुश कि ओ उसी अपने मुंडे उपर चुकीए कारणदा है ते ओदी थोई जाने दी खुशी मनांदा है। इस मसाले दा मतलब ए है कि जियां इस माणुए एक भिड्डे किते इन्नी खुशी मनाई, उवां गै इन्हें भड़के दे माणुए चा जेकर एक भी माणु परमेसरे कश आई जाए ता इदे किते सुरगे च बड़ी खुशी मनाई जांदी है। फिर एक और मौके पर यीशु ने उनेंगी परतियै इये गल्लां समझाईयां, जेके माणु अपने आप गी धर्मी गलांदे न उने नहीं, पर जेके अपने आप गी पापे गलांदे न आऊं उनेंगी बचाने किते आए दा है ता जे ओ परमेसरे दी संगता च आई जाण।